ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। और देखते हैं पाइसेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ध्यान मेरा जा रहा है, मेरे सामने एक बुकलेट पड़ी है, उस पर लिखा है बिलीव इन योर ओन मैजिक। वाओ। तो पाइसेस कि आपको अपने खुद के मैजिक में बिलीव करने की ज़रूरत है। बिलीव इन योर ओन मैजिक, अपनी यू आर योर ओन, क्या बोले उसको, कि यू नो लाइक यू आर अ गो गेटर, और आप यू आर अ प्रिंस और अ प्रिंसेस, एंड यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन पीपल। आपको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी पे यू नो इमोशनली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने मैजिक में खुद बिलीव कीजिए। चलिए, ये तो हो गई एक अच्छी बात। अगर हम पाइसेस की ओवरऑल आगे बात करें, ओह माय गॉड, देखिए, बिलीव इन योर ओन मैजिक एंड देन वी आर गेटिंग विक्ट्री, सक्सेस। सो सक्सेस दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू स्मेल द रोजेज। अब वो किसी भी स्फीयर में हो सकती है। देखिए, सच अ ब्यूटीफुल ब्रिलियंट गोल्डन एनर्जी। ओके, सो मे बी इट्स लाइक अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। नंबर 10 वी आर गेटिंग। ओके, सो आप काफ़ी काम, कंपोज्ड, हैप्पी, चिल्ड आउट रहने वाले हैं। एंड दिस इज़ लाइक कि कॉन्फिडेंस कि येस फाइनली लाइक यू नो यू मेड इट, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं पाइसिस के लिए। ऑफकोर्स हर चीज़ आसान नहीं होती है, पाइसिस को ही पता है कि पाइसिस लाइक आप यू नो किन चीज़ों के थ्रू निकले हैं, या कितनी हार्डशिप्स के थ्रू निकले हैं। सो ऐसे ही नहीं आ गया, एंड मे बी यू आर नॉट फीलिंग दैट वेल एज वेल, यू नो कि आप लाइक हेल्थ वाइज भी आपने बहुत कुछ फेस किया है, या इमोशनली ऑल्सो। तो चलिए आप आगे देखते हैं लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है पाइसिस की लव लाइफ, और हम यही प्रे कर सकते हैं कि कुछ अच्छा पॉजिटिव हो। ओके, तो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं वर्थ वेटिंग फॉर। सो डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ, लव लाइफ। आपकी जो लव लाइफ है वो डिवाइन रेगुलेट कर रहे हैं। सो डिवाइन टाइमिंग जो है वो पार्ट प्ले कर रही है, ठीक है। मेजर जो भी जो कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो ये तो मान के चले आप। फाइनेंशियल इश्यूज आर आल्सो अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। सो मे बी फाइनेंशियली आल्सो कि आप स्टेबल होना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, या कुछ अचीव करना चाहते हैं। ओके, तो वो भी एक लाइक क्या बोले उसको, कि ऑब्स्टिकल हो सकता है या चैलेंज हो सकता है। कीप एन ओपन माइंड, एंजल कह रहे हैं अपने माइंड को ओपन अप रखिए। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आपने जैसा एक्सपेक्ट कर रखा है, हो सकता है आपके सोलमेट डिफरेंट हो। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा, अपना जो माइंड है वो ओपन अप रखिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइक यू नो वो आपकी मदद कर सकते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो कनेक्शंस कि यू हैव टू वॉच आउट पीपल कि जिन पे आप ट्रस्ट करें। ऑफकोर्स आप हर किसी से अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर पाइसिस ये होता है ना कि आप पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू, कुछ भी है। सो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ ज़्यादा नहीं, हाँ, बट उन लोगों के साथ आप ज़रूर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके अपने हैं। बट अभी राइट नाउ फॉर राइट पीरियड, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि हार्डली एनीबडी इज़ हैप्पी फॉर यू नो फॉर यू पीपल। तो एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो ये चीज़ शायद हो सकती है। तो यू आर योर ओन वॉरियर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं। ओ माय गॉड। चलिए, तो अगर पाइसिस किसी के साथ डील कर रहे हैं, ऑफकोर्स ज़्यादातर पाइसिस मुझे ऐसा लगता है कि दे आर सिंगल, है ना। लेकिन अब जो किसी के साथ डील कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो भी ऐसा ही है कि फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। तो इट्स लाइक अ स्लीप मोड पे, और आपके पार्टनर जो है वो स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, रिग्रेट, दे आर इनटू अ डीप रिग्रेट मोड, ठीक है। उनको वो शर्मिंदा है, ठीक है, जो उन्होंने आपके साथ किया। किस लिए शर्मिंदा है,
कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया, आपको इग्नोर किया, या जो भी है. बट येस, इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आपको उन्होंने अच्छा आपसे बिहेव नहीं किया या वट एवर. सो उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ देख लेते हैं. सो दे वॉन्ट टू वर्क इट आउट. क्या आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे स्टिल एफर्ट पुट करना? बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि ये एफर्ट पुट करना चाहते हैं. और क्या एक्चुअली में दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस? देखिए, दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, ठीक है, वेरी वेरी स्लो और शेडी और कभी ऑन ऑफ है, ठीक है. ये अगेन वही मैजिशियन, अपनी जैसे ही आपकी बातें होती हैं तो ये फिर अपने उसमें आ जाते हैं, अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं. ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है पाइसेस. सो दैट कनेक्ट, सो इट्स लाइक एन ऑन ऑफ कनेक्शन, एक ऑन ऑफ कनेक्शन है. तो ऑल इन ऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, बात हो सकती है. और अगेन और यू मे हियर फ्रॉम दिस पर्सन या मैसेज और अ कॉल हो सकती है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एनर्जी, वेरी फायरी एंड पैशनेट एनर्जी प्लस लविंग एनर्जी. सो अब कौन है ये पर्सन, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हो? देर आर पीपल, ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ पीपल. मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगी, इट्स लाइक आई एम गेटिंग क्यूरियस अबाउट पाइसिस की जो लव लाइफ है. तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में, लाइक एग्जैक्टली बिकॉज देर आर टू पीपल. मुझे ऐसा लगता है पाइसिस आपको जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में होते हैं, जितना ज़्यादा खुद को प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जितना ज़्यादा अपने जोन में रहते हैं, तो उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में, यू हैव टू बी स्टेबल, तभी आप एक स्टेबल कनेक्शन अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है. तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफकोर्स समबडी इज़ कंसर्न्ड, कोई बहुत ज़्यादा लाइक यू नो डूबा हुआ है और उनको लगता है कि आपके बारे में कुछ सोच रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि पाइसिस, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया है. ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है, दैट मींस कि आपकी जो लाइक ये जो आप आज फेस कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं वाला. या पाथ इज़ गोइंग टू चेंज, यू आर गोइंग टू फाइंड समवन, आपको कोई मिलेगा ज़रूर, ठीक है. ऑब्वियसली हर चीज़ हम यहाँ क्लियर नहीं कर सकते, बट ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि आपका पाथ बदलेगा, आपको कोई मिलेगा ज़रूर. वो दूरी पे हो सकते हैं, ठीक है, या somebody like that. बट डेफिनेटली ये पर्सन डीप रिग्रेट में है और हो सकता है आपसे दूरी पे भी हैं ये पर्सन, और शायद शर्मिंदा भी हैं. बट ऑफकोर्स यू मे फाइंड अ वेरी, मुझे ऐसा लगता है कि पाइसिस यू विल फाइंड अ वेरी गुड पार्टनर. एंड स्टिल अभी भी ऐसा लगता है कि कोई है, मे बी दो लोग हैं जो आपके बारे में इस टाइम पे सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे लाइक आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. थोड़ा सा और देख लेते हैं, देन वी आर डन. एग्जैक्टली यू नो इस पर्सन के क्या मैसेजेस हैं? कार्ड थोड़े दूर पड़े हुए हैं. चलिए, तो आपके ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो भी पर्सन है जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो भी हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑन ऑफ कनेक्शन है, वट एवर, क्या मैसेजेस हैं उनके? ठीक है, स्टिल लाइक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, कुछ भी है, ठीक है, नॉट फॉर सिंगल्स एग्जैक्टली, हाँ, बट जिनके साथ भी आपका थोड़ा बहुत बात चल रही है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपके हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, कोई भी है, तो आपके पार्टनर की तरफ से आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी. ओके, सो ये शो कर रहे हैं कि दे आर हैप्पी, ये आपको शो ऑफ कर रहे हैं, बट अंदर से उन्होंने होप पूरी छोड़ दी है इस पर्सन ने. ठीक है, आई डोंट नो हाउ यू फील, आई एम इन योर हार्ट, एम आई इन योर हार्ट, तो पूछना चाह रहे हैं अंदर से कि आपको ऊपर से वो ये शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक्चुअली में वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनको भूल गए हैं या याद करते हैं. कार्मिक पार्टनर का कार्ड आ रहा है, मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कार्मिक के लिए आपको छोड़ दिया था. नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट अगेन, वो बोलना चाहते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो. तो ये सारे मैसेजेस, पर इन मैसेजेस का क्या फ़ायदा है अगर कोई somebody chose somebody else over you, ठीक है, कि उन्होंने आपके लाइक किसी और को चूज़ किया, तो ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है. चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात, अब हम करियर की बात करेंगे पाइसिस की, कि करियर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में. ओके, सो वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, लॉट ऑफ मनी कमिंग इन. ओके, लॉट ऑफ मनी. ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप सिक्योर होते जा रहे हैं, बट द थिंग इज़
देर इज समथिंग, कुछ है जो आप आई डोंट नो, हो सकता है आपका कोई ड्रीम है, आप कुछ करना चाह रहे हैं और वहाँ आप थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या तो आप मनी सेव नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी पोजिशन में ग्रो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि या तो आप जिस तरीके से आप इमेजिन कर रहे हैं, आप उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ है, कुछ अचीव करना है आपको, आपका कुछ है, आपने अपने माइंड में कुछ सोच रखा है, वहाँ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और देर इज़ सम चेंज. ओके, कुछ लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली, इट्स अबाउट कि लाइक इट्स अबाउट लाइक यू आर वरिड कि आप कैसे करेंगे, मैनेज क्या होगा, बट अगेन जो नंबर 10 आया है दैट मीन्स विक्ट्री, सक्सेस आपको मिलेगी ज़रूर अपने करियर पे. सो ध्यान रखिए और बिल्कुल भी पेशेंस मत लूज़ कीजिए, कीप ऑन वर्किंग. ठीक है, पैसेज बट पहले से काफ़ी बेटर है, फाइनेंसेस अच्छे हैं. हाँ, कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर हो सकता है फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, कि आप हैप्पी नहीं हैं या कंटेंट फील नहीं कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि लाइक यू आर नॉट, जिस स्पेस में आप हैं वहाँ आप खुश नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, तो आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं और माई वे और हाई वे, लाइक इट्स लाइक आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं फॉर योर करियर ऑफ कोर्स, या हो सकता है कि लाइक यू वांट थिंग्स टू चेंज ऑफ कोर्स, लाइक या तो आप एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट यू आर वांटिंग अ चेंज और अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या आपको कॉन्ट्रैक्ट लाइक टेंशन हो रही है आपको, बिकॉज आप, मुझे लगता है कि यू वॉन्ट टू मूव, आई डोंट नो बट येस यू वॉन्ट टू मूव समवेयर, देर इज समथिंग लाइक पाइसेस, येस देर इज सम एनर्जी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इट्स अबाउट लाइक यू वॉन्ट टू ट्रैवल, शिफ्ट, मूव, बाय अ हाउस और एनी थिंग, वो एनर्जी दिखाई दे रही है, डेफिनेटली यू विल, घबराने की बात नहीं है. ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो होपफुली लाइक चेंजेस आएंगे आपके करियर में, बट इस हफ्ते के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है. चलिए, तो क्या आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स. सो आपके पास कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको भी बेनिफिट करते हैं और दूसरों को भी. तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखिए, सच अ ब्यूटीफुल कलरफुल कार्ड इट इज़, और आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आपकी जो सोल है वो बहुत ही पवित्र है, सुंदर है, और कुछ गिफ्ट, आप यू आर अ वेरी गिफ्टेड सोल, जैसे कहते हैं ना, गिफ्टेड सोल. ठीक है, तो अब जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं वो आप खुद के लिए और लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए, और लाइक जिससे लोग भी बेनिफिट कर सकें. एंड गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट. तो अंधविश्वास से बाहर निकलिए, जो भी गिल्ट है उसको रिलीज़ कर दीजिए, निकाल दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ. ओके, जो आपकी सोल को ग्रो करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं, अब वो कोई पर्सन हो या कोई सिचुएशन हो, जो भी चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है उसको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं, या इवन आपकी खुद की सोच. और ऑफ कोर्स अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ इज़ ऑल्सो वेल्थ. ठीक है, तो अपनी रियल कहते हैं ना, रियल वेल्थ तो हेल्थ है, तो अपने अपना ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे फोकस करना ज़रूरी है, और ऐसी सभी चीज़ों को लेट गो कीजिए जो आपको मदद नहीं करती आगे बढ़ने में, इनफैक्ट आपकी सोल की ग्रोथ को ग्रो करने में रोकती हैं, आपकी सोल को ग्रो करने में आगे रोकती हैं. तो वो चीज़ें आपको देखना है कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं. कई बार खुद की ही बिलीफ सिस्टम होता है, खुद की सोच ऐसी हो जाती है, नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुद को ही स्टॉप करती हैं. ठीक है, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करें, इवन जेलसी, एनवी और एनीथिंग. ओके, और यू आर लाइक स्पेशल, यू आर सो स्पेशल पाइसेस. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.